लैब असिस्टेंट के सिलेबस में एक नई सब्जेक्ट को जोड़ा गया। उस सब्जेक्ट का नाम है दैट इज द एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। जितनी इस सब्जेक्ट को हवा बनाया जाता है इतनी ये सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा और साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। तो एजुकेशन का अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन में बताऊं तो आपको कोई किताब ला के दे दी, उस किताब का आप क्या कर सकते हो, या तो उस किताब को आप पढ़ सकते हो या फिर पढ़ के किसी को पढ़ा सकते हो, मतलब या तो सीख सकते हो या किसी को सिखा सकते हो। दो काम ही शिक्षा का हो सकता है। तो शिक्षा का मतलब क्या हो गया, सीखना और सिखाने से, क्लियर है। अब तीसरा बंदा खड़ा हुआ आके बोला कि सर हम तो भंगार वाला आता ना वो कबाड़ वाला उसको बेच देंगे, ठीक है वो बेच देना, वो फालतू की चीज़ों में आएगा। फिर आप मानते हैं दैट इज द साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। साइको मतलब होता है सोल, आत्मा, और लोगस मतलब होता है लॉजी, मतलब होता है टू स्टडी। तो ये कह रहा है कि वेन एवर वी आर इंटरेस्टेड टू स्टडी अबाउट द सोल, जब हम आत्मा को पढ़ना चाहते हैं, आत्मा का अध्ययन करते हैं, देट इज द साइकोलॉजी। कई बार आपने देखा होगा कोई आदमी बेकी बेकी सी बातें करता है, पागलों टाइप बातें करता है, तो उसको कहते हैं कि आप तू जा भैया साइकोलॉजिस्ट के पास जा, अपना इलाज करवा। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, आपके मन को पढ़ता है, आपके दिमाग को पढ़ता है, आपके पूरी बॉडी गेस्चर पोस्चर को पढ़ता है कि बंदा क्या प्रॉब्लम है, इस बंदे में ये चेंजेस कैसे आए। तो बस वही एजुकेशन साइकोलॉजी का मतलब है कि बच्चे और टीचर के बीच में एक तरीके का लिंक है। शिक्षा मनोविज्ञान में एक शिक्षक क्या करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, तो इसमें उन सारे बिंदुओं पर केंद्रित किया जाता है, उन सारे बिंदुओं को पढ़ा जाता है कि हम कैसे पढ़ाएं किसी बच्चे को समझ में आ जाए। समझ रहे हो, एजुकेशन साइकोलॉजी मतलब हम कैसे इंप्रूवमेंट करें कि बच्चे को हर चीज़ समझ में आ जाए। देखो कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, और आप इंटेलिजेंट को ध्यान में रखकर अगर फटाफट फटाफट पढ़ाते गए और वो बच्चा मुंह देखकर अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये इसीलिए एक थ्योरी आई, या साइंटिस्ट ने कहा कि भाई ऐसा कुछ माहौल क्रिएट करते हैं बच्चों को समझ में आना चाहिए, तो उसके लिए एक सब्जेक्ट आई एजुकेशन साइकोलॉजी। अरस्तु वगैरह बहुत सारे साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने अपने अपने आइडिया दिया। किसी ने कहा कि भाई बच्चों को एग्जांपल से समझाओ, किसी ने कहा डायग्राम से समझाओ, किसी ने कहा कि देखो बच्चे को कितना समझ में आ रहा उस हिसाब से समझो। सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी, ठीक है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी की आई थिंक आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी कि बच्चों को केंद्रित में रख के, मतलब या बच्चों की आत्मा को पढ़कर उनको पढ़ाना, समझे कि कैसे बच्चे को समझ में आएगा, वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके बच्चों की स्टडी को इफेक्टिव बनाना ये टीचर का फर्ज होता है। तो इस सब्जेक्ट में यही पढ़ाया जाता है, इसलिए हर एक शिक्षक को पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कैसे उसको समझाओगे। फॉर एग्जाम्पल कोई गाँव का बच्चा है, ठीक है, अब उसने आसपास जो चीज़ें देखी है उस चीज़ों से समझोगे ना तो उसको समझ में जल्दी आएगा। या फिर अगर आप जापान की कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई डायरेक्ट उसको कहोगे कि ये टेक्नोलॉजी में ऐसे ऐसे होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले उसको आप बेस क्लियर कीजिए, उसके आसपास की चीज़ों से समझाइए, और किसी भी चीज़ को अगर हम अपने आसपास के माहौल से समझते हैं तो वो जल्दी समझ में आती है। तो आई थिंक आपको एजुकेशन साइकोलॉजी का बेसिक मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ताकि मैं आपके पूरी सीरीज पढ़ा दूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक महीने के अंदर पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा। लेकिन देखो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि यार मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ यार इतने बच्चे मेरे से पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।